जय होलिका माता, जय होली माता, तेरी सदा जय हो। होली में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को, भाग्य आपका साथ में आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे रुपया पैसा दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ और पवित्र माने गए हैं। इन पेड़ पौधों में ऐसी खासियत होती है जो कि ये पेड़ पौधे वर्षा करते हैं रुपए पैसे की। ये हमारे जीवन में चल रही परेशानी को, कष्टों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं होली के दिन, बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी इन पेड़ पौधों का विशेष उल्लेख है। जैसे कि दोस्तों, किसी भी पवित्र दिन हम तुलसी की पूजा करते हैं और पीपल की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से होलिका दहन के दिन इस पेड़ की जड़ को अगर लाकर हम अपने गले में धारण कर लें तो हमारी गरीबी तत्काल नष्ट हो जाती है। दोस्तों, इन पेड़ पौधे का आध्यात्मिक महत्व सबसे ज्यादा है। दोस्तों, अगर आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माताएं बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में, आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान की कामना है, धन धान में समृद्धि पाना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो दोस्तों आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि होली के दिन अगर इस पेड़ की जड़ को अपने गले में धारण कर लें तो भाग्य आपका पीछे पीछे आएगा, भाग्य साथ में आसमान पर आएगा, रुपया पैसे की दौलत की आपकी प्राप्ति होगी। दोस्तों, साल 2024 में होली का पावन पर्व 24 और 25 मार्च को है। होलिका दहन 24 मार्च को रात्र में जलाई जाएगी, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 24 मार्च को है और होली का पावन त्यौहार जो रंग जो खेलते हैं वो 25 मार्च को मनाया जाएगा। दोस्तों, होलिका दहन के दिन होलिका मैया को जलाकर हम अपने घर के जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं उन्हें नष्ट कर देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करके ठीक होलिका दहन के अगले दिन हम रंग खेलकर होली का पावन पर्व मनाते हैं। दोस्तों, इस बार होली के पावन पर्व पर कई शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। अगर आप इस जड़ को धारण कर लेते हैं इस नव वर्ष यानी कि होली के दिन, तो मान के चलिए दोस्तों, इन जड़ों को जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, अगर आप इनमें से कोई एक भी जड़ धारण कर लेते हैं अपने गले में, दोस्तों हमारे वीडियो में बताए गए नियम के अनुसार, तो फिर देखिए आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। ये पेड़ पौधे में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां विद्यमान रहती है। आप माने या ना माने, हमने अपने जीवन काल में कई औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है। बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो ये पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको होलिका दहन के दिन इस पेड़ की जड़ को आपको लाना है, यानी कि होलिका दहन की रात्रि को आपको इस पेड़ की जड़ को लेकर आना है, और फिर आप अगले दिन होली के पावन दिन, ठीक होलिका दहन के अगले दिन, होली के पावन दिन आप इस जड़ को गंगा जल से धो लें और फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी का टीका लगा दें, और फिर आप होलिका मैया का स्मरण करके, माता लक्ष्मी जी का स्मरण करके, भगवान विष्णु जी का स्मरण करके आप इसे होली के दिन अपने गले में धारण कर सकते हैं, अति उत्तम रहेगा। आपकी वह सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप होली के दिन इस पेड़ की जड़ को धारण करते हैं तो उससे आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है, लेकिन लोग आपको बेवकूफ भी बना सकते हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे ऐसे हैं कि इन पेड़ पौधों से आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। इनकी जड़ आप स्वयं अपने हाथों से उखाड़ कर लाएं होलिका दहन के दिन रात्रि में, और होली के दिन इसे धारण करेंगे तो आप लोग निश्चित ही
करोड़पति बन जाएंगे, माला माल बन जाएंगे। आप जो अगर इसे लाकर आप ताबीज में भरकर धारण कर लें तो बहुत ही शुभ होगा। सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि होलिका दहन की रात्रि को आपको इस पेड़ की जड़ को लाना है और आपको माता लक्ष्मी जी के ठीक पास आपको इसे रख देना है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है, उसके सामने इस पेड़ पौधे की जड़ को लाकर आपको रख देना है और ठीक अगले दिन, होलिका दहन के अगले दिन जब होली का पावन त्योहार मनाया जाएगा तो इसे सूर्य उदय होने के एक घंटे बाद ही इसे चांदी की ताबीज में भरकर आप पहन लीजिए। अगर आपका यानी सामर्थ्य चांदी की ताबीज नहीं है तो आप किसी जैसे कि तांबे की, पीतल की ताबीज है उसमें भी आप इसे भरकर धारण कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब इस वीडियो में जानते हैं कौन सी वो चीज है, कौन सी वो पेड़ की जड़ है जिसे आपको होलिका दहन होली के दिन लाकर इसे ताबीज में भरकर धारण करना है। दोस्तों ये जो जड़ हम बताएंगे इनमें से कोई भी एक जड़ लेकर आए। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से, मित्रों से गुजारिश करना चाहेंगे कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, यानी शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जय होली माता कमेंट में जरूर लिख देना और जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना, साथ ही जय भगवान विष्णु भी जरूर लिख देना। दोस्तों आइए जानते हैं, सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ को होलिका दहन की रात्रि को लेकर आना है। दोस्तों इसके बेनिफिट बहुत है, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको बताना चाहेंगे। चमेली की जड़ में देवी शक्तियां समाहित रहती है। आपने देखा भी होगा कि जो इसके तेल है वो हनुमान जी महाराज को समर्पित है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवी शक्तियां मिली रहती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को होलिका दहन की रात्रि को चमेली की जड़ लेकर आना है और इसे लाकर आप अगले दिन होली के दिन इसे आप चांदी की ताबीज में जरूर अपने गले में धारण कर लें। दोस्तों पूजा पाठ करके ही धारण करें, अभिमंत्रित करके धारण करें, ये अलौकिक शक्तियां इसमें विद्यमान रह जाएंगी, साथ ही इसमें माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी, हनुमान जी की कृपा बरसेगी, आप हमेशा निरोग रहेंगे। दोस्तों अगले क्रम में आता है लड़जीरा, यानी कि जिसको हम चिड़चिड़ा कहते हैं, अपमार्ग कहते हैं, इसका कई नाम है, हमारे इस वीडियो में देख लीजिएगा, इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कोई लड़जीरा कहता है इस पौधे को, कोई इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपमार्ग बोलते हैं क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं वो साधारण पौधे की अपेक्षा इसके बीज उल्टे की तरफ होते हैं, इसलिए इसे उल्टा चलने के कारण अपमार्ग कहा जाता है। संत महात्मा जो लोग होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं अपमार्ग का, बहुत ही शुभ होता है। इसके खीर बनाकर अगर 30 दिनों तक खाया जाए तो हमारे शरीर से जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। लोग इसके बीज का खीर बनाकर खाते हैं, लंबे समय से फिर साधना भी करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख, प्यास या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती। इसे कब पहनना चाहिए, देखिए कैसे धारण करना चाहिए, तो आपको होलिका दहन की रात्रि को आपको लड़जीरा अपमार्ग का यानी कि चिड़चिड़ा की जड़ को लेकर आना है और इसे अच्छे से आपको गंगा जल से धोकर, शुद्ध पानी से धोकर, फिर इसमें गाय के दूध को थोड़ा सा छिड़काव कर दें, हल्दी का टीका लगाकर फिर आप क्या करें, ताबीज में भर लें और ताबीज में भर के इसे पहन लें। दोस्तों अगर जो लोग वशीकरण करना चाहते हैं, किसी को अपनी ओर सम्मोहित करना चाहते हैं, उन्हें लगे कि उनका चेहरा दूसरों को आकर्षित कर ले, तो ऐसे लोग चिड़चिड़ा अपमार की जो जड़ है उसे लाकर धारण जरूर कर लें। दोस्तों होलिका दहन की रात्रि लेकर आए और होली के दिन अगर आप चिड़चिड़ा अपमार यानी कि इसे अगर आप लाकर धारण करते हैं तो लोग आपकी तरफ सम्मोहित हो जाते हैं, खींचे चले आते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होती, किस्मत के चार चांद लग जाते हैं। आप माने या ना माने, स्वयं हमने पहनकर देखा है इसके अद्भुत गुण। दोस्तों अवश्य इसे धारण करें और लाइए, इसके पहनने के बाद आपके नवग्रह की जो पीड़ा है शांत हो जाएगी, नवग्रहों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, इसके फल निराले हैं, बंद किस्मत के ताले खोल देंगे। दोस्तों अगली जड़ है पीपल की जड़। अगर पीपल की जड़ लेकर आते हैं, दोस्तों पीपल की जड़ क्यों हमने कहा, क्योंकि पीपल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप इसे होलिका दहन की रात्रि इसकी जड़ लेकर आते हैं और होली के दिन इसे धारण करते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी साथ देने लगेगी। इसे देव वृक्ष कहा गया है, सभी देवी देवता माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। दोस्तों होलिका दहन के दिन आप गूलर की जड़ जरूर लेकर आएं। दोस्तों गूलर का पेड़ बहुत ही शुभ होता है, कहते हैं कि भगवान विष्णु
जब नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किए थे तो इसी गुलर के पेड़ में अपने नाखूनों को जाकर गड़ाया था, तब जाके उनके नाखूनों की जो जलन है वो शांति हुई थी। इसलिए गुलर के पेड़ को आशीर्वाद दिया था कि मैं हमेशा ही तुम पर निवास करूंगा और तुम्हारी जड़ को जो लेकर होलिका दहन के दिन लेकर आकर धारण करेगा उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा, तो आपके किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इसके यानी कि जड़ जरूर लेकर आए, यानी गूलर की जड़ लेकर आए तो होलिका मैया भी प्रसन्न होती हैं। होलिका मैया आपके घर में यानी सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, माता लक्ष्मी भी। दोस्तों अगला पेड़ है मदार का, यानी कि जिसको हम आंकड़ा कहते हैं, आग का, यानी कि आपको मदार की जड़ लेकर आना है, जो पुराना मदार हो, जैसे जो 11-12 वर्ष पुराना हो, उसमें स्वयं गणेश जी की सूर्य की आकृति बन जाती है। आपने देखा भी होगा मंदिरों, जो पुराने मंदिर होते हैं उनमें लगा रहता है, उसकी जड़ लेकर आएं और फिर इसे आप धारण करें, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों केले की जड़ अगर लेकर आएं, केले की जड़ में स्वयं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी वास करते हैं, तो होलिका दहन की रात्रि को आपको केले की जड़ खोद कर लेकर आना है और उसे अच्छी तरह से गंगा जल से धोकर फिर आप उसमें थोड़ी सी हल्दी का टीका लगा दें और इसे आप चाहे तो पीतल या फिर तांबे की तावीज में आप भरकर धारण करें। भगवान नरसिंह देव और इसमें आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही साथ आपको होलिका मैया भी प्रसन्न होंगी। दोस्तों माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होंगी। या फिर आप चाहें तो होलिका दहन के दिन आप चाहें तो तुलसी की जड़ जरूर लेकर आए, इसे भी धारण कर सकते हैं, तो इससे भी किस्मत के चार चांद लग जाएंगे, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों आध्यात्मिक उन्नति अगर प्राप्त करना है, आप माने या ना माने, देखिए उपाय अपनी जगह होते हैं, टोटके अपनी जगह होते हैं, जड़ी बूटी की जो शक्तियां होती हैं ये अपनी जगह, आप माने या ना माने वो अपनी जगह है, लोग मानते हैं। देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है, जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते हैं वो पत्थर समझते हैं, यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े होंगे तो पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसे पूजनीय हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप होलिका दहन के दिन इन जड़ों में से कोई भी एक जड़ लेकर आकर आप धारण करते हैं तो भाग्य आपका सातवें आसमान पर रहेगा, किस्मत में परिवर्तन होते हुए स्वयं आप देखेंगे, आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप इसे अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा ही प्रदान करेंगे ये जड़े, मित्र की भांति आपका काम करेंगी और आपकी मदद करेंगी, आपका हमेशा साथ देती हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर होलिका दहन के दिन प्राप्त हो और होलिका मैया का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय होलिका मैया, जय होली माता और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।